आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन हमसे बोला है कि पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, देन क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय हिम। है ना, तो बेसिकली बंदा जो है वो एक बाल्टी को 10 न्यूटन फोर्स लगा के होल्ड कर रहा है ना, तो ऊपर की तरफ एक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा इस बकेट पे, है ना। जो बकेट है हमारी वो वर्टिकल होगी, तो फिर उसने क्या किया कि वो 5 मीटर आगे की तरफ गया, है ना, 5 मीटर आगे गया और 10 मीटर उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 मीटर ऊपर की तरफ गया, 5 मीटर आगे की तरफ गया, 10 मीटर ऊपर की तरफ गया, है ना। तो हमें इसका वर्क डन निकालना है। तो बेसिकली वर्क डन किसकी वजह से आएगा, जो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वो फोर्स है ना वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा है ना उसको होल्ड करने के लिए। तो जो वर्क डन है वो हमारी सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के कारण आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा, जीरो, है ना। तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना आ जाता है, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, 10 न्यूटन, है ना, 10 इंटू 10। तो हमारा जो है 100 जूल वर्क डन बाय हिम आ गया, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।